मसाला पीनट के लिए हमें चाहिए बेसन, ये है फूड कलर, मूंगफली, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है, आप जीरा के अलावा अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी कलौंजी है, ये आपकी तिल है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। उसके अलावा रेड चिल्ली पाउडर है, ये सोडा है और ये सॉल्ट है। इसके अलावा मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा है कड़ी पत्ता। गाइज मैंने सारे मसालों को मिला के ये एक बैटर बना लिया है, आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा है। अभी इसमें हमें मूंगफली डालनी है, आपको जितना बनाना है उसी हिसाब से ही आप बेसन लीजिएगा और मूंगफली ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही आप इसे ऐड कीजिएगा। अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे कैसे आप फ्राई करें। आप पहले एक छन्नी लें, जो छेद वाली छन्नी रहती है, उसके ऊपर में इसको थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड कर ले, और जैसे ही तेल गर्म होता है तो आप इसे अच्छे से फ्राई कीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले आप इसको ऐसे डाल लीजिए, फिर स्पून के हेल्प से आप इसे थोड़ा सा मतलब कि फोड़ ले जहाँ जहाँ लगा है, फिर उसके बाद में आप इसे कढ़ाई में छोड़ दें, ये खुद ही स्प्रेड हो जाएगा। गाइज आप देख सकते हैं कि सारी ये मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गई है। अभी जो इसपे तड़का लगेगा, मतलब करी पत्ता जो मैंने बोला था इस्तेमाल है, जो तेल बच गया है उसी तेल में आप ये कड़ी पत्ता डाल दीजिए। ध्यान से फ्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत चटकेंगे ये। जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे इसे हम मूंगफली के ऊपर में डाल देंगे। अगर आपको ये कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा अरोमा आता है जब ये कड़क तेल में एकदम फ्राई हो जाता है। गाइस ये भी गो, आप देख सकते हैं कि ये मसाला पीनट तैयार हो गया है, और कड़ी पत्ता भी मैंने भून के इसके ऊपर डाल दिया है। आप देख सकते हैं ये कितना मतलब क्रंची है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसको अनियन के साथ में खा सकते हैं, या तो आप ऐसे ही खा सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी मसालेदार है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अच्छे से ये फ्राई हो गया, और ये देखिए ये भी इतना क्रंची बना है, देखिए आप देख सकते हैं अंदर मूंगफली अच्छे से फ्राई हो चुकी है, और आप इसे अच्छे से खा सकते हैं इवनिंग स्नैक्स, या जब भी आपको क्रेविंग होती है तो आप इसे खा सकते हैं। Thanks for watching Lali's Kitchen guys. Have a wonderful day.